How to approach questions in business laws? The most common question जो हर एक CA foundation student पूछता है कि भैया law समझ में तो आता है, चलो आप बता भी देते हो अच्छी तरीके से, मगर questions कैसे approach करें? How do we write and solve the questions ताकि मैं best marks लेकर आ सकूं in this paper? While it seems to be a rocket science, ट्रस्ट मी ये रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं एंड साथ साथ में आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए फॉर सॉल्विंग द बिजनेस लॉस पेपर. टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस गो टू अ डिफरेंट लोकेशन. थोड़ा स्टाइल अलग करते हैं, थोड़ा सा फ्रेम अलग करते हैं. सो बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे आपको तीन टाइप के लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. पहला इज द डायरेक्ट क्वेश्चंस, जहां पे आपका फोकस रहना चाहिए ऑन आंसर राइटिंग द बेस्ट वे पॉसिबल. डोंट फोकस ऑन द लेंथ ऑफ द आंसर्स बट रादर ऑन द कंटेंट ऑफ द आंसर, कि जो प्रोविजन आपसे पूछा गया है वो आपने सही तरीके से बताया है या नहीं. सेकेंड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज टू डिटरमाइन द टाइप. एग्जाम्पल, आपको एक केस दे दिया और आपको पूछा जाएगा ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है. एंड तीसरा, जिसमें बच्चों को होता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, वो है द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको अप्रोच करने का तरीका थोड़ा सा अलग है. आई नो थोड़ा आवाज आसपास में आ रहा होगा, राइट? तो आइए चलिए इसको हम लोग बैठ के आराम से एक एक करके डिस्कस करते हैं. So as we were discussing कि तीन कैटेगरी का ऑफ क्वेश्चंस को पूछा जाता है. डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको समझ में आ गया लेंथ डज नॉट मैटर, रादर द कंटेंट मैटर. और अगर मैं कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जहां पे आपको एक केस दिया जाएगा और आपको आंसर बताना है, डायरेक्टली राइट द आंसर विद द रीजन. बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ऑलवेज द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. नाउ लेट मी टेल यू अ सीक्रेट. नाउ व्हेन इट कम्स टू केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, मैक्सिमम बच्चों का एक ही फोकस होता है कि भैया जो सवाल दिया गया है उसका कंक्लूजन क्या है. व्हाइल द कंक्लूजन ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको अप्रोच कैसे करना है. Whenever you see a case study based question, the first thing that should come into your head is that ki wo question kaun se topic ke upar aaya hai, kaun sa provision ko wo hit kar raha hai, and try your level best ki aap us provision ko sahi tarike se likhe. अगर आप देखते हो कि कोई पर्टिकुलर केस स्टडी में एक रेपिटेटिव प्रोविजन दिया जा रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उस लैंग्वेज को याद करने की या फिर उसके कीवर्ड्स को दिमाग में सेट करने की कोशिश बिल्कुल करें, राइट? उसके बाद जब आपने समझ लिया कि उसका प्रोविजन क्या है, फिर जो भी आपको केस स्टडी दिया हुआ है उसको आप उससे लिंक करिए. And then you focus on the conclusion. For some reason, अगर आपने गलत conclusion लिख भी दिया, but आपके provision बिल्कुल सही है और आपने case study को सही तरीके से link किया है, it is still that you will get great amount of marks. Of course, not the full marks, but आपको अच्छा marks मिलेगा. But अगर आपका सिर्फ conclusion सही है, but nothing else is correct, तो chances यही है कि आपको marks कम मिलेंगे. I know, आपको प्रैक्टिकली देखने हैं इन तीनों टाइप के questions. So, आइए स्क्रीन में. So, हम लोग तीनों कैटेगरी की questions को देखते हैं और आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए ऑन दीज questions. आई एम प्रिटी श्योर कि आपको इसके बाद काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है. सो लेट्स बिगिन. नाउ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ questions जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है द केस स्टडी बेस्ड questions. तो आगे एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखकर आप कैसे सॉल्व करने वाले हो उसे हम देखते हैं. क्वेश्चन आपके सामने ये है, वेदर अ माइनर बी एडमिटेड इन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ द माइनर इन द पार्टनरशिप, राइट? तो सर ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जहां पे आपको पूछा है कि क्या माइनर बी एडमिटेड इन टू द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप. तो अगर आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेरे साथ पढ़ लिया है तो यू आर प्रिटी श्योर कि माइनर जो है वो नॉर्मल पार्टनर की तरह तो एंटर नहीं हो सकता. द माइनर कैन बी एडमिटेड इन टू द पार्टनरशिप इफ ऑल अदर पार्टनर्स अग्री, राइट? तो ये एक आंसर आ गया. फिर क्या क्या राइट्स होते हैं पार्टनर्स के पास में,
कि वो जो है उसको इक्वल शेयर मिलेगा, ठीक है, उसको एक्सेस मिलेगा, इंस्पेक्ट मिल सकता है, कॉपी मिल सकता है ऑफ द व्हाट अकाउंट्स, राइट। वो इट कैन सू द अदर पार्टनर्स फॉर द अकाउंट्स ओनली व्हेन ही सीवियर्स इट्स रिलेशन फ्रॉम द फर्म, ठीक है। तो ये सारे राइट्स थे और ये डायरेक्टली राइट्स दिए हुए, आपको और कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो इनफैक्ट सजेस्टेड आंसर जो है वो भी ये लिखा है कि एडमिट आप करते हो किसके लिए, बेनिफिट्स के लिए, बट आपको कंसेंट चाहिए किसके, सभी पार्टनर्स के। माइनर के पास में क्या क्या राइट्स होते हैं, ऑफ कोर्स 6 मंथ्स अचीव होने के बाद में उन्हें बताना पड़ता है कि वेदर दे वांट टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर और नॉट। इफ दे डू नॉट विश टू कंटिन्यू एज अ पार्टनर उन्हें सर्व करना पड़ता है एक पब्लिक नोटिस, अदरवाइज वो पार्टनर बन जाएंगे एंड दे विल हैव द लायबिलिटी राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे वर एडमिटेड इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जहां पे आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के माइनर के टॉपिक के बारे में बोला है। बेसिक फोकस जो कि आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिखाया है कि आपको कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी है। लेंथ ऑफ द आंसर डज नॉट मैटर, प्लीज अंडरस्टैंड द कंटेंट मैटर्स। जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखने वाले हो, प्लीज जो की वर्ड्स लिखने वाले हो उसको कि हम लोग सही से पढ़ के आए हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको मैक्सिमम मार्क्स इन द डायरेक्ट क्वेश्चंस स्कोर होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस जो हम लोग करने वाले थे वो ये था कि आपको केस स्टडी दिया हुआ रहेगा छोटा सा और आपको बताना है द टाइप ऑफ आंसर, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, वन सेकेंड, ठीक है। जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेट विद रीजन, आपको रीजन ही बताना पड़ता है वेदर द फॉलोइंग एग्रीमेंट, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा ज्यादा देखा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, ये वैलिड है या नहीं। सबसे पहला क्लॉज लिखा हुआ है, क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड दैट नो एक्शन शुड बी ब्रॉट अपॉन इन द केस ऑफ ब्रीच। देखो आपको बेसिकली ये नहीं बताना कि हाँ या ना, वो तो जरूरी है, बट आपको बताना है कि टॉपिक कौन सा है, मुझे बताइए। ये है रिस्ट्रेंट ऑफ व्हाट, रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। और किसी को भी अगर आपने लीगल प्रोसीडिंग्स करने से रोका तो वो क्या हो जाएगा, मुझे बताइए बच्चों, वो हो जाएगा void। तो void हो गया आपका आंसर, एंड उसका आंसर क्या हो जाएगा मुझे बताइए, void वाला में रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो आपका फोकस जो है इसके ऊपर होना चाहिए, इट इज अ नेचर ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, हेंस वो क्या हो जाएगा, void हो जाएगा। तो आंसर इज void एंड मेन कंटेंट आपने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वेयर टू कोर्ट्स हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई अ सूट, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दैट द सूट शुड बी फाइल्ड इन वन ऑफ दोस कोर्ट्स अलोन आर नॉट एंड नॉट इन द अदर। इसमें आपको बताओ कि वैसे देखा जाए तो रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है वो वॉइड होता है, बट पार्शियल रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जहां पे दो जन मिलके एक कोर्ट के बारे में डिसाइड कर रहे हैं वो वैलिड होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल क्या है भैया, वैलिड है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड एनी एग्रीमेंट जो कि सूट प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, बट पार्शियल रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वैलिड। आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ ऑन द लीगल प्रोसीडिंग्स, खाली आपस में वो लोग ये बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इन टू डिफरेंट कोर्ट्स लेट अस सेटल इन वन, ठीक है। तो ये पार्शियल रेस्ट्रेंट है और ये बिल्कुल क्या होगा बाबू, ये क्या होगा आपका, वैलिड होगा। पॉइंट नंबर 3, एक्स ऑफर्स टू सेल हिज मारुति कार टू वाई, वाई बिलीव्स दैट एक्स हैज ओनली वैगनआर, ठीक है। यानी कि बोथ द पार्टीज आर नॉट क्लियर, ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, तो ये बिल्कुल क्या होगा आपका, void होगा। ये क्या होगा बच्चा, void होगा, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी एग्रीमेंट में consensus added in, consensus added, देखो यहाँ पे focus किसके ऊपर है, on the answer and the provision जो इसको highlight कर रहा है, right? क्योंकि है consensus added in, ठीक है, that means कि sir both the parties जो है should agree on the same thing in the same sense, ठीक है। तो ये हो गया आपका void। And last but not the least क्या दिया हुआ, देखो एक बार करें, X, a physician and a surgeon, employs Y as an assistant on a salary of rupees 75,000 per month for a term of 2 years. And Y agrees not to practice as a surgeon and the physician during these 2 years. देखो वैसे तो आपको पता चल जाएगा ये टॉपिक जो है किसके ऊपर है, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के ऊपर है। एंड जो नॉर्मल क्लॉज ये बोलता है कि अगर आपने किसी को भी रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड यानी कि धंधा करने से रोका तो भैया वो गंदा हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा void। उसमें एक्सेप्शन
एक्सेप्शंस था जहां आपने गुडविल सेल कर दिया है, या फिर आपने सर्विस एग्रीमेंट के वक्त, अगर आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट अगर आपने एम्प्लॉय के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया है टू कैरी आउट अ सिमिलर एक्टिविटी, वो बिल्कुल क्या होता है, वैलिड होता है। और यहाँ पे जब वाई को एज अ असिस्टेंट रखा गया था तभी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था कि वो एज अ सर्जन प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो हेंस ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल वैलिड होगा। एग्जाम में आया हुआ सवाल है, जुलाई 2021 चार मार्क का सवाल है, तो आंसर आपको कैसे लिखना है इस तरीके से देखो, वैलिड है बिल्कुल ये, यस सर। अग्रीमेंट अगर रिस्ट्रेंट अगर लगाया है बाय सर्विस एग्रीमेंट व्हाइल द एम्प्लॉय इन रिस्ट्रेंट इज वर्किंग, ठीक है, देन इन दैट केस वो बिल्कुल क्या होता है, वैलिड होता है, इसे हम रिस्ट्रेंट नहीं मानते हैं। तो वही चीज आंसर आपको लिखना है, दैट मींस लुक एट द क्वेश्चन, फोकस ऑन द प्रोविजन एंड राइट द डायरेक्ट आंसर इन द कैटेगरी नंबर टू क्वेश्चन। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कैटेगरी नंबर टू क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा, यहाँ पे आपको ज्यादा एलाबोरेटेड आंसर ही मिला है। आई नो कि पॉइंट नंबर फोर में उन्होंने सजेस्टेड में काफी लंबा लिखा है, आपको इतना लंबा लिखने का दरकार नहीं है, चारों के चारों मिला के एक एक मार्क के क्वेश्चन है, तो टू द पॉइंट आंसर लिखने से आपको ज्यादा वक्त भी मिलेगा एंड इट इज हाईली इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड मोर ऑफ सच टिप्स after we complete the favorite category which is the case study based question. आइए, so हम लोग करते हैं case study based question का एक सवाल को, ठीक है, आइए क्या लिखा, ठीक है, क्योंकि हमने परसों ही private company, public company, maximum number of members के ऊपर सवाल किया है, तो I'm pretty sure कि ये आपके एकदम ताजा ताजा गरम गरम आपके खून में होगा ये सवाल, ठीक है। Now, Jagannath Oils Limited, Jagannath Oil Limited is a public company and having 220 members, of which 25 members were the employee in the company during the period 1st April 2006 to 28th of June 2016. These were allotted shares in Jagannath Oils Limited on the 1st of July 2007, which were sold by them on the 1st August 2016. ध्यान रखिएगा, इन्होंने employment में थे till 28th of June 2016 और इन्होंने सेल कब कर दिया मुझे बताइए, 1st August 2016 में ही शेयर्स को अपना बेच दिया। ऑलराइट, आफ्टर सम टाइम ऑन 1st December 2016 ईच ऑफ दीस 25 मेंबर्स अक्वायर्ड शेयर, उन्होंने बाद में वापस से शेयर्स अक्वायर कर लिया ऑफ जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड व्हिच दे वर होल्डिंग टिल डेट, अभी तक वो होल्ड कर रहे हैं, नाउ दे वांट टू कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी, क्या ये कर सकते हैं, पहला सवाल तो ये है, फिर बी में जाएं। देखो आप लोग सबसे पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली ऑलरेडी आंसर आ चुका होगा कि हाँ ना, आप उसी के ऊपर फोकस कर रहे हो, बट मैं आपको बोलूंगा एक अलग अप्रोच, यहाँ पे अलग अप्रोच क्या रहेगा कि सबसे पहले डोंट फोकस ऑन द कंक्लूजन, द कंक्लूजन विल ऑटोमेटिकली बी देयर। सबसे पहला चीज जो आपको पूछना है वो ये पूरा क्वेश्चन में टॉपिक किसके ऊपर है कि सर एक ये जो एग्जाम्पल पूरा का पूरा दिया है ये एक प्राइवेट कंपनी है या ये एक प्राइवेट, यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा था ना इसलिए, ये एक प्राइवेट कंपनी है या नहीं, इसी के ऊपर प्राइमरी फोकस आपका है, राइट, यस। तो अगर आपका प्राइमरी फोकस ये है कि ये प्राइवेट कंपनी है या नहीं, सबसे पहला टॉपिक किसके ऊपर पूछा है, प्राइवेट कंपनी के लिमिट्स के ऊपर, बराबर। और प्राइवेट कंपनी का मेरा बच्चों को सेक्शन नंबर भी पता है, मैंने याद करने नहीं बोला बट बच्चों को याद हो गया होगा। पहला आप जो है प्राइवेट कंपनी के बारे में बताइए, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज द प्रिस्क्राइब्ड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, जो कि अब तक प्रिस्क्राइब किया हुआ नहीं है, एंड तीन लेटर आरएलपी, बोलो आरएलपी, याद है ना आपको आरएलपी, बच्चों को याद है तो मेरा जी सर याद है आरएलपी, बिल्कुल याद है। आर क्या था, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। नंबर टू, लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, जो कि यहाँ का मेजर हाइलाइटिंग पॉइंट होगा। एंड नंबर थ्री, प्रोहिबिट्स द पब्लिक सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। पहले अगर आप फोकस करोगे, आंसर में भी इसी तरीके से दिया हुआ है कि सबसे पहले ये नहीं बताया कि होगा नहीं होगा, ये 200 का काउंटिंग में आएगा नहीं आएगा, पहले केवल और केवल फोकस किया ऑन राइटिंग व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो टू क्लॉज 68 के तहत पहले लिखा गया है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो होता क्या है, प्राइवेट कंपनी का पूरा डेफिनेशन जो है वो दिया हुआ है, रेस्ट्रिक्ट्स आर, ठीक है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, हमें पता ही है एलपी वाला पॉइंट, ठीक है, एलपी वाला पॉइंट, तो आप डायरेक्टली लिखोगे, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शन पर पूछा गया 200 के ऊपर, दूसरा मुझे बताइए क्या क्या एक्सेप्शन था,
सर 200 में पहला एक्सेप्शन था कि जॉइंट होल्डर्स जो है उसे कंसिडर किया जाता है कैसे, कंसिडर्ड एज वन, जोड़ों को गिना जाता है एज वन। नंबर टू क्या था मुझे बताइए, एम्प्लॉयज एंड एक्स एम्प्लॉयज, ठीक है, उनकी नंबर्स को काउंट नहीं किया जाता है प्रोवाइडेड इनकी जो एम्प्लॉयज और एक्स एम्प्लॉयज है उनको गिना कब नहीं जाता है, जब उन्होंने शेयर्स कब अक्वायर किया मुझे बताइए, उन्होंने शेयर्स तब अक्वायर किया व्हेन दे वेर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के टाइम में शेयर्स अक्वायर किया और बाद में छोड़ भी दिया तब भी काउंट नहीं किया जाएगा, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में आज भी है और उनके पास शेयर्स भी है तब भी वो काउंट नहीं किया जाएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ हाउ मच, इन द कैलकुलेशन ऑफ 200। ठीक है, अब आपने प्रोविजन को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे सारा जो आपने यहाँ पे ब्रेक देख रहे हो ना, ये आपने सब कुछ डिस्कस कर लिया यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट वाला पोर्शन, फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक, ये सारे पॉइंट लिख दिए आपने। अब लिंक करिए, आपने प्रोविजन को लिख दिया, अब आप लिंक करो केस स्टडी को विद दिस क्वेश्चन, अपने लैंग्वेज में कर लीजिए, हल्का हल्का जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसको भी आप पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें क्या लिखोगे, इन द फॉलोइंग केस वी कैन सी दैट द 25 मेंबर्स वेयर अंडर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम अप्रैल 2006 टू 28 जून 2016, ड्यूरिंग दैट पीरियड उनको शेयर्स मिला बट दे सोल्ड ऑल द शेयर्स बाय 1st अगस्त 2016। ठीक है, जो शेयर्स उन्होंने अक्वायर किया है वो कब किया है मुझे बताइए, 1st दिसंबर 2016, व्हेन, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, 1st दिसंबर 2016 में दे अक्वायर्ड द शेयर्स व्हेन दे वेर नॉट अंडर एम्प्लॉयमेंट, वो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे, और एम्प्लॉयज एंड एक्स एम्प्लॉयज को हम गिनती में तब नहीं लेते हैं 200 के जब उन्होंने शेयर्स अक्वायर किया होता है व्हाइल दे आर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, द शेयर्स दैट दीज एक्स एम्प्लॉयज अक्वायर्ड वेयर आफ्टर दे हैड लेफ्ट द कंपनी। Hence, क्या इसको इन्हें 200 के कैलकुलेशन में लिया जाएगा, the answer is absolutely yes. तो आपका number of members जो है अभी तो 200 से ज्यादा है, तो you have to either reduce the number of members to convert itself into a private company. Conclusion, just one line, ठीक है, and number two question पूछा आपसे, whether your answer would be different if the above 25 members were employees in Jagannath Oil Limited for a period of course April से लेके 28th of June, यानी कि उन्होंने second case में ये बोला कि उन्होंने 1st August 2016 को नहीं छोड़कर थोड़ा कब है 28th of June तक, यानी कि उन्होंने shares उसके पहले acquire किया, देखो 1st December को वापस acquire किया। Yes, the answer is कि इसमें 25 employees को 25 members को गिना नहीं जाएगा because उन्होंने जो शेयर्स अक्वायर किया है इन केस नंबर बी हैज बीन अक्वायर्ड व्हेन दे आर इन व्हाट, व्हेन दे वर इन व्हाट, दे वर इन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट के वक्त में है तभी वो लोग को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, इन द कैलकुलेशन ऑफ 200। बात समझ में आया आपको, क्लियर है बिल्कुल यहां तक, इसीलिए क्योंकि इसका नंबर ऑफ मेंबर्स 195 हो गया है तो आप इसे एक प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते, यू कैन कन्वर्ट इटसेल्फ into a private company. तो आपको अप्रोच समझ में, अगर मैं इसको ब्रेक करूं आंसर को आपको पूरा के पूरे, ठीक है, तो हाउ डू यू अप्रोच द आंसर, पहला सबसे पहला चीज, जब भी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आए, क्योंकि उसी पे बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आता है इसलिए मैं लिख के भी बता रहा हूं, फोकस पहले, सबसे पहले अपने आप से सवाल यही पूछो, अपने आप सेल्फ में पूछो, ठीक है, ये लिखना नहीं है आप लोग को, ये आंसर लिखना नहीं है कि भैया कौन सा टॉपिक या कौन सा प्रोविजन इसमें पूछा गया है, कौन सा टॉपिक है, ठीक है, पूछिए, जैसे इसमें केस में क्या था क्वेश्चन में, अपना प्राइवेट कंपनी के ऊपर सवाल था ये, ठीक है, तो फोकस किसके ऊपर था पूरा का पूरा, ऑन द टॉपिक, सबसे पहले मन में एक बात लोग रहा, अच्छा क्वेश्चन पढ़ के ओके ये ब्रिज के ऊपर सवाल है, ये प्राइवेट कंपनी के ऊपर सवाल है, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर सवाल है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन अगर तुम्हारा लाइब्रेरी क्लियर करते उसके ऊपर सवाल है, यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है, तो आप आइडेंटिफाई करो पहले, यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, या यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सबसे पहले आप टॉपिक को अपने दिमाग में लिंक करिए कि वो आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है, नंबर 2 इज फोकस ऑन द रेलेवेंट प्रोविजन, ठीक है, फॉर द क्वेश्चन, कि जो भी इसका रेलेवेंट टॉपिक है, एग्जांपल प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा तो मेरा फोकस रहेगा मैं प्राइवेट कंपनी के बारे में बताऊं, अब प्राइवेट कंपनी में 200 मिलने ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके
ज्यादा टॉपिक पूछा गया है, तो मैं 200 बार पॉइंट अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। माइनर एडमिट हो सकता है नहीं, तो माइनर वाला पॉइंट मैं ज्यादा अच्छे से लिखूंगा, तो आपको रेलेवेंट प्रोविजन के बारे में मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद नंबर थ्री इज लिंक द क्वेश्चंस केस स्टडी विथ द प्रोविजन, ठीक है। आप लिंक करो केस स्टडी को, बताओ कि फिलाना फलाना केस में ऐसे से हुआ था और इसमें ऐसा देखा गया है कि 200 से ऊपर है, क्योंकि आप उसको लिंक करके पढ़ा। नंबर फोर शॉर्ट, एक से दो लाइन के अंदर कंक्लूजन, ठीक है, बराबर। पक्की बात, ये हो गया। अगर आपके पास क्वेश्चन आया है से 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आया है, बिंदास इस पैटर्न को फॉलो करिए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। डोंट राइट टू मच, अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ टाइम लिमिट, एंड बहुत जनों का कंपनी लॉ का पेपर जो होता है, सॉरी बिजनेस लॉस का जो पेपर होता है, वो खत्म नहीं होता है, तो मेक श्योर दैट यू एडहेयर द टाइम। 1.8 या 1.6 बोलूंगा मैं, 1.6 मिनट्स पर मार्क, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। अगर एक बड़ा क्वेश्चन आया एंड यू वॉन्ट मोर स्ट्रक्चर, तो आप सेकेंड फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, वो है नंबर वन फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। इसको आपने फैक्ट ऑफ द केस को एक से दो लाइन के अंदर बता दे, ज्यादा लंबा नहीं, ठीक है, सिंपल में फटाफट कि क्या हुआ था। फिर रेलेवेंट प्रोविजंस एंड सेक्शंस, अगर इसमें केस स्टडी है तो आप सेक्शन केस स्टडी भी ले सकते हैं, उसको आपने मेंशन कर दिया, ये आपका मेन मार्क केटरिंग हैला पोर्शन है। उसके बाद में अबाउट द मेंशन केस, सर जो केस आपको एग्जाम में पूछा गया है उसमें आपको कैसे बताना है कि ये रेलेवेंट प्रोविजन कैसे लिंक कर रहा है, वही सेम लिंक्ड वाला पॉइंट। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंक्लूजन, फिर कंक्लूजन भी आप साथ द केस की तरह एक से दो लाइन के अंदर लिखोगे, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक, मुझे बताइए आप लोग। दैट इज हाउ यू हैव टू अप्रोच मे बी अ 6 मार्क क्वेश्चन, आप इस तरीके से लें। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले मेथड से आप लिख नहीं सकते हो, बट डेफिनेटली डेफिनेटली यू कैन यूज any of the two methods, but that is the approach. पहले approach समझेगा कि focus कैसे करना है आपको answer पे on a case study based questions. Of course, there have to write more or writing sessions भी होंगे, but still this is the way to, ठीक है। साथ साथ में आपको ध्यान देना है कि देखो handwriting matter नहीं करता है, ठीक है, a few couple of few points, ठीक है, जो आपको रखना पड़ेगा। अच्छा तो क्या फिर से थोड़ा setup change कर दे क्या to make you realize a few important points? So Come on. All right, guys. So, couple of quick tips that you have to understand जब आप लोग answer लिख रहे हो for business laws. Number one, adhere the time. Time is important. Time is relevant. So, 1.6 minutes per marks. उसके हिसाब से आपको answer लिखना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं. Number two, handwriting matter नहीं करता है. अगर आपका handwriting बहुत खूबसूरत भी है, तब भी आपका जरूरी नहीं है कि आपको marks जो है वो अच्छी तरीके से मिले. Right guys? थोड़ा सा angle ठीक कर देते हैं, थोड़ा vlog system में लेके आ जाते हैं, तो आपको मजा भी आएगा. Right? And बट इट शुड बी लेजिटिमेट, यानी कि दैट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो. इसीलिए मैं बेस्ट टूल बोलूंगा, अंडरलाइन करिए विद द पेंसिल एंड मेक द एडुकेटर, माफ करिएगा एडुकेटर बोलते, चेक कर रियलाइज कि हाँ आप पढ़ के आए हो. दैट इज द मेजर फोकस जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है. हर आंसर को एक अलग पेज में लिखिए. यू कैन राइट द आंसर इन एनी ऑर्डर, बट उस आंसर का जो आपका सब पार्ट्स है वो एक ही साथ होना चाहिए, ठीक है. ज्यादा क्लमजी मत करिए, खूब पेज होता है, आंसर लिखिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वीडियो स्टैंड अलोन विल नॉट सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स. आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा. आप पहले खराब लिखोगे, फिर थोड़ा सा और कम खराब लिखोगे, फिर अच्छा लिखना शुरू करोगे, फिर बेहतरीन करना स्टार्ट करोगे. एंड बाय द टाइम व्हेन यू हैव डन ऑल द क्वेश्चंस, आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द एक्साइटमेंट टू सॉल्व क्वेश्चंस. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और बताया जरूर कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा ऑफ मेकिंग माई वीडियो. जस्ट ट्राई अ लिटिल बिट ऑफ न्यू थिंग्स एंड आई होप कि आपको मजा आया. दिस इज द सुशांत भैया साइनिंग ऑफ, एंड यस, राधे राधे.